कोटला से डीसी महावीर कौशिक ने चिन्हित अपराधों को लेकर गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की करी अध्यक्षता। डीसी ने जांच प्रक्रिया में तेजी लाकर मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के दिए निर्देश। बैठक में 6 नए मामले पर हुई चर्चा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 के दौरा कर स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। अस्पताल में कई प्रक्रिया की खामियों पर लिया कड़ा संज्ञान, खामियां दुरुस्त करने के दिए निर्देश। अस्पताल में नशा रोगियों व मानसिक रोगियों के लिए अलग अलग वार्ड बनाने के दिए निर्देश। अस्पताल प्रशासन द्वारा खराब पड़े एयर कंडीशनर को जल्द से जल्द करवाया जाए ठीक। गुप्ता, सेक्टर 6 का नागरिक अस्पताल भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक अस्पतालों में से एक, सुविधाओं का अभाव नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। ज्ञानचंद गुप्ता, श्री गुप्ता की बातों से प्रेरित होकर नशे के मरीजों ने महिला सशक्तिकरण को लेकर हरियाणा सरकार ने शुरू की नई योजना। डीसी, हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना से आत्मनिर्भर होगी महिलाएं। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 3 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाएगी। भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब की जेल में बंद आईएएस संजय पोपली के 26 वर्षीय बेटे कार्तिक पोपली की मौत, हत्या नहीं बल्कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सुसाइड बता रही है। जून माह की 25 तारीख को उनके चंडीगढ़ सेक्टर 11 स्थित घर में कार्तिक की गोली लगने से मौत हो गई थी। कार्तिक की मां ने इसे हत्या बताकर इल्जाम पंजाब डीजीपी गौरव यादव द्वारा मोहाली के मटौर थाने और फैज आर्ट थाने का औचक निरीक्षण। गैंगस्टरवाद और नशे का पंजाब में से सफाया करना मुख्य एजेंडा। गौरव यादव, बीजेपी, जेजेपी सरकार में ना आम जनता सुरक्षित और ना ही विधायक। हुड्डा, कानून व्यवस्था का निकला दिवाला, अपराधियों का गढ़ बना प्रदेश। हुड्डा, रिकॉर्ड अपराध की वजह से घटा निवेश, बड़ी बेरोजगारी व नशा। हुड्डा, कांग्रेस सरकार बनने पर फिर होगा हरियाणा से अपराध व नृत्य कला में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को किया गया सम्मानित। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आम आदमी पार्टी की उत्तरी हरियाणा की संयोजक एवं आप नेत्री चित्रा सरवारा ने मंगलवार को उत्तरी क्षेत्र के सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने संगठन खंड रायपुर रानी की ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत स्वच्छता रथ के माध्यम से पॉलिथीन प्लास्टिक ना इस्तेमाल करने के बारे में लोगों को। पंजाब में कोर्ट के बाहर चली अंधाधुंध गोलियां, फैली सनसनी। समाचार क्यारी पंजाब प्रभारी राजेश कोछड़ मोगा, मोगा की जिला कचहरी के बाहर आज उस समय माहौल खराब हो गया जब दो गुंडों के बीच अंधाधुंध गोलियां चल गईं। सूत्रों के अनुसार यह मामला गैंगवार का हो सकता है। फिलहाल पुलिस द्वारा सारे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।